फ्रेंड्स वेलकम बैक, आई एम संजय सैनी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि फिजिक्स एनसीईआरटी का 6th चैप्टर है उसको हम फास्टली रिवाइज करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब देख लेंगे, जितनी डेफिनेशंस हैं वो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यस, पहला टॉपिक था मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता ही है कि इट इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। किसी एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी डायमेंशन तो होती है, डायरेक्शन नहीं होती, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड और इसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, देखिए दो केस हैं। अगर तो आपके पास है कि दिया गया एरिया एक कॉन्स्टेंट एरिया है, कॉन्स्टेंट फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है और ओरिएंटेशन ऑफ एरिया भी कॉन्स्टेंट है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोस थीटा, बी इज कॉन्स्टेंट, एरिया इज कॉन्स्टेंट एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट। अगर ये तीनों टर्म ही कॉन्स्टेंट है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। लेकिन अगर इनमें से कोई भी क्वांटिटी अगर वेरिएबल है, जैसे मान लीजिए अगर आपको कर्व्ड एरिया दिया हुआ है, अगर कर्व्ड एरिया हो गया तो एरिया तो फिक्स है लेकिन ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होगी। फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आप उस एरिया, जैसा ये केस है मान लेते हैं, ऐसा केस है, उस एरिया के ऊपर आपको पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना पड़ता है। उस स्मॉल एरिया एलिमेंट में से पहले फ्लक्स निकालना पड़ता है। जैसे मान लिया ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है, इसमें से फ्लक्स निकाल लेते हैं और इसमें से फ्लक्स मान लिया डी फाई है और वो डी फाई कितना होता है, बी डी एस कोस थीटा, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने पास दूसरा तरीका होता है। तो अगर एरिया फिक्स है, ये तीनों क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर ओरिएंटेशन चेंज हो रही है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या फिर कोई एरिया चेंज हो रहा है तो उस केस में आप पहले स्मॉल एरिया में से फ्लक्स निकालिए और फिर उसे इंटीग्रेट करके, डी फाई को इंटीग्रेट करके आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका। डियर स्टूडेंट्स, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसकी यूनिट होती है वेबर, जिसकी यूनिट होती है वेबर, और वन वेबर इज इक्वल टू होता है वन टेस्ला मीटर स्क्वायर। वन वेबर इज इक्वल टू वन टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है अपने पास। अब देखिए तीन स्पेशल केसेस अपने पास हैं। अगर आपको किसी एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स देखना है, मैक्सिमम फ्लक्स, तो वो क्या होता है, मैक्सिमम फ्लक्स होता है फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। और ऐसा कब होता है, अगर आपके पास एंगल जीरो डिग्री हो, एंगल की वैल्यू अगर जीरो डिग्री आ जाएगी तो फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम आ जाएगा। अब देखिए फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, अगर आपके पास थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हो, उस केस के अंदर एरिया आप फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा। और अगर एंगल की वैल्यू सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हो तो आपके पास एरिया, तो फ्लक्स आपके पास नेगेटिव होगा। और अगर एग्जैक्टली एंगल की वैल्यू या तो 90 डिग्री है और या फिर 270 डिग्री है, उस केस के अंदर फ्लक्स जीरो होगा। इन तीनों सिचुएशंस को आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है और ये एरिया है प्लेन ऑफ, ये जो स्क्रीन है उसके प्लेन में है, तो और मैग्नेटिक फील्ड ये है इनवर्ड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, तो उस केस में एंगल जीरो डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मान लीजिए मेरे पास ये एरिया है, ये है मेरे पास एरिया ये, और मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल हैं, मतलब ये इस केस में एंगल बनेगा 90 डिग्री, और क्योंकि एंगल लिया जाता है नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, एंगल 90 डिग्री होने के केस में अपने पास फ्लक्स इसमें से पास नहीं होगा, तो फ्लक्स होगा जीरो। अब कभी कभी एरिया जो हो, एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आपको तब लेनी है अगर आपके पास कोई थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक सिलेंडर है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट आपके पास है, मान लीजिए ये वाला, आप इसमें से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं और आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लिया इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं बी,
तो अगर आप इस फेस पे देखेंगे तो आपके पास एंगल क्या होगा, मतलब इस फेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपके पास एंगल 90 डिग्री से लार्जर होगा, क्योंकि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इधर है और एरिया का नॉर्मल ऑलवेज बाहर की तरफ ही लेते हैं, ये एरिया का नॉर्मल, तो आपके पास एंगल बन गया ये, जो आपके पास 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। और 90 डिग्री से बड़ा एंगल होने का मतलब क्या हो गया, कोस थीटा नेगेटिव होगा, कोस थीटा नेगेटिव होने से ये एक नेगेटिव फ्लक्स का एग्जांपल आपके पास होगा। लेकिन अगर आप इस फेस में से फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका नॉर्मल किधर होगा, इसके बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ, तो इस बार एंगल जो होगा वो ये होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा और स्मॉलर देन 90 डिग्री होने की वजह से फ्लक्स आपके पास पॉजिटिव होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कभी भी ये देखोगे कि एरिया का नॉर्मल जो लिया जाता है वो ऑलवेज किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के आउटवर्ड्स ही लिया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट देखिए, तो हमने ये फ्लक्स के तीन केसेस हमने कंसीडर कर लिए, ये फॉर्मूला आपके पास है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि किसी भी कॉइल में से फ्लक्स को चेंज करने के आपके पास कितने तरीके हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइल है, कोई भी कॉइल है, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में आपने रखा हुआ है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें से फ्लक्स को चेंज करने के आपके पास क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो देखिए, पहला तरीका, आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ही चेंज कर दीजिए, जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया हुआ है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दो घटा दो, कुछ भी कर सकते हो आप। तो एक तरीका आपके पास हो गया ये। दूसरा तरीका, आप एरिया चेंज कर दीजिए, इस एरिया को बड़ा कर सकते हो, इस एरिया को छोटा कर सकते हो, तो दूसरा तरीका ये हो गया फ्लक्स को चेंज करने का। तीसरा तरीका आपके पास है कि आप एंगल चेंज कर दीजिए, सपोज़ कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था लेकिन आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करके इधर कर दिया या इधर कर दिया या इधर कर दिया, या फिर आपने एरिया को रोटेट करवा दिया, एरिया पहले ये था, अब आपने एरिया को रोटेट करवा के ऐसा कर दिया, फिर एरिया को रोटेट करवा के ऐसा कर दिया, तो अगर आप एरिया को भी चेंज कर सकते हो तो भी फ्लक्स आपके पास चेंज हो रहा होगा। सो किसी भी लूप में से, किसी कॉइल में से फ्लक्स चेंज करने के आपके पास तीन तरीके होते हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग द एरिया, चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, और या फिर आप इनके कोई भी दो या तीनों के कॉम्बिनेशन से भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये फ्लक्स के बारे में इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। हाँ जी, एक बात ये देखिए, फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो है मैक्सवेल, और एक मैक्सवेल जो फ्लक्स होता है वो 10^-8 वेबर के इक्वल आपके पास होता है। अब देखिए फैराडे के कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे। डियर स्टूडेंट्स, फैराडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो एक्सपेरिमेंट थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड। तो फास्टली आप ये एक्सपेरिमेंट्स देख लीजिए। फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि ये दो कॉइल्स लगाई, एक कॉइल ये देखिए, एक कॉइल ये देखिए, ये सोलेनोइड टाइप से है और दोनों कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगाए हुए हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि दोनों कॉइल्स के बीच में एक मैग्नेट को मूव करवाया। तो जब वो मैग्नेट को मूव करवाता है तो क्या देखता है कि दोनों कॉइल्स के अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसका मतलब दोनों ही कॉइल में हालांकि कोई बैटरी नहीं लगी हुई, कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं लगा हुआ, फिर भी उसके अंदर करंट फ्लो करने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो गया, अपने आप ही आ गया। और वो क्यों आया मैग्नेट को मूव करवाने से, एक्चुअली मैग्नेट को मूव करवाने से क्या हुआ था, कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें एंटर कर रही थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो था वो चेंज हुआ, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से कॉइल्स के अंदर मैग्नेटिक EMF उसके अंदर इंड्यूस हुआ था। ये देखिए मोशन के, जब ये मैग्नेट मूव कर रहा था तो इस कॉइल में भी करंट आया और इस कॉइल में भी करंट आ जाता है। नीचे वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, नीचे वाले में क्या है, ऊपर वाले के अंदर नॉर्थ पोल को मूव करवाया था इधर, नीचे वाले में साउथ पोल को मूव करवाया था इधर, दोनों ही केस सेम है, दोनों ही केसेस के अंदर दोनों ही कॉइल्स के अंदर करंट फ्लो करने लगा लेकिन डायरेक्शन ऑफ करंट अपोजिट थी। जब नॉर्थ पोल को इधर पास लेके गए थे तो इसमें ऐसा करंट आया था एंटी क्लॉकवाइज करंट कि ये वाला फेस नॉर्थ पोल बन जाए ताकि वो आने वाले मैग्नेट को रिपेल कर सके। जब हम साउथ पोल को लेफ्टवर्ड लेके गए थे तो इसमें ऐसा करंट आया क्लॉकवाइज कि इधर वाला पोल साउथ बन जाए ताकि साउथ पोल को रिवर्स को रिपेल कर सके। तो आप ऑलवेज यही देखोगे, आप किसी भी मैग्नेट को अगर मूव करवा रहे होगे तो उस कॉइल के अंदर ऐसा करंट आएगा कि वो मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। आप ये पढ़ चुके हो, ये फेमस लेंज लॉ भी अपने पास होता है। ये देखिए, इसमें हमने क्या किया, जब मैग्नेट को पास लेके जाते हैं तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें होती हैं वो बढ़ रही होती हैं। ये देखिए मैग्नेट अभी दूर पड़ा है, दूर पड़े हुए मैग्नेट की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें इतनी एंटर नहीं कर रही हैं इस कॉइल के अंदर, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को पास लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ज़्यादा एंटर करी, फ्लक्स बढ़ा कॉइल के अंदर, और कॉइल के अंदर फ्लक्स बढ़ने से बैटरी इसके कॉइल के अंदर करंट फ्लो करने लगा। देखिए जब ये इधर आ रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन दिखा रहा था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कॉइल तब तक ही डिफ्लेक्शन देती है,
कॉइल में करंट तब तक ही रहता है जब तक कि फ्लक्स चेंज हो रहा हो। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, केवल उसी स्थिति के अंदर ही, उसी कंडीशन के अंदर ही कॉइल के अंदर करंट फ्लो करता है। जैसे ही फ्लक्स कॉन्स्टेंट हो जाता है, एज सून एज द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बिकम्स कॉन्स्टेंट, द EMF इंड्यूस्ड बिकम्स जीरो एंड इंड्यूस्ड करंट इन द सर्किट बिकम्स जीरो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। ये सारी ऑब्जर्वेशंस मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, EMF कब इंड्यूस होता है, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल, इंड्यूस्ड पोलैरिटीज ऑफ द मैग्नेटिज्म इन द कॉइल एंड द डायरेक्शन, मतलब EMF किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो कॉइल के अंदर EMF आया, ये डिपेंड करेगा रिलेटिव मोशन पे। या आपने मोशन फास्टली आप मैग्नेट को पास लेके जा रहे हो या धीरे धीरे लेके जा रहे हो। अगर आप धीरे धीरे लेके जाओगे तो EMF कम इंड्यूस होगा, अगर आप तेज़ी से मैग्नेट को पास लेके जाओगे तो EMF ज़्यादा इंड्यूस होगा। दूसरी बात, इस पे भी EMF की पोलैरिटी इस बात पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन से पोल को पास लेके जा रहे हो या कौन से पोल को दूर लेके जा रहे हो, आप मैग्नेट की पोलैरिटी पे भी डिपेंड करता है। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर एंड हेंस द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपने उस ऑब्जर्वेशन, उस एक्सपेरिमेंट में देखी होगी। नेक्स्ट देखिए, फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट। फैराडे के सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, एक करंट कैरिंग कॉइल ली, इसके अंदर तो करंट अपने आप फ्लो कर रहा है, और एक दूसरी कॉइल ली जिसके अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। उसने क्या किया कि जैसे ही वो इस कॉइल को ऑफ पोजीशन से ऑन करता है, मतलब पहले ये पोजीशन, पहले ये जो की थी, ये की ओपन थी, इस ओपन की को जैसे ही क्लोज किया तो एकदम से इसके अंदर करंट फ्लो, इसके अंदर करंट बढ़ने लगा, और जैसे इसके अंदर करंट बढ़ता है तो इस कॉइल के अंदर करंट आता है। आप ये वीडियो थोड़ी बैक करके देख सकते हो, दोबारा से देख लो। अभी ये की जो है वो ओपन है, जैसे ही इस की को क्लोज किया जाएगा इसमें करंट बढ़ेगा, इसमें करंट बढ़ने की वजह से इसके अंदर फ्लक्स आएगा, और वो फ्लक्स दूसरी कॉइल में भी एंटर करेगा और दूसरी कॉइल में भी फ्लक्स बढ़ेगा। अब दूसरी कॉइल में फ्लक्स बढ़ने की वजह से इस कॉइल में भी करंट फ्लो करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। आपने देखा इस कॉइल में जल्दी करंट जीरो हो जाता है, इसका कारण ये होता है कि इसके अंदर फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। देखो, जब इसमें करंट कांस्टेंट हो गया तो इसमें फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, और फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है तो EMF नहीं इंड्यूस होता और करंट नहीं फ्लो करता। तो नीचे वाले में भी ऐसा ही है, इसमें ऑलरेडी की तो लगी हुई है और करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट फ्लक्स होने की वजह से इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। लेकिन जैसे ही ये की को ओपन करेगा, की ओपन करंट से करंट घटेगा, करंट घटने से फ्लक्स घटेगा, इसमें अगर फ्लक्स घटेगा तो इसके अंदर करंट आएगा। क्योंकि मैंने आपको ये बात बता दी कि किसी कॉइल में अगर करंट फ्लक्स बढ़ता है या फ्लक्स घटता है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है और उसमें करंट फ्लो करता है, जैसा कि आपने ये देख लिया। अगली स्लाइड देखते हैं। When the primary circuit is open, the current decreases from maximum value to zero. ये सारी observations मैंने आपको पहले भी videos में दे रखी हैं, आप दोबारा से इनको पढ़ सकते हो। वीडियो को पोज करके ये जो थ्योरीज लिखी हुई है आप ये पढ़ सकते हो, मैं फास्टली रिवीजन आपको करवा रहा हूँ। अब है फैराडेज लॉज। फैराडे ने दो एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट से उसने जो ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने दो बातों के रूप में लिख दिया। पहली जो लॉ है उसे फैराडेज फर्स्ट लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ सिर्फ इतनी सी बात बताता है कि किसी कॉइल के अंदर जब कोई फ्लक्स चेंज होता है तो उस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो जाता है, और ये फिनोमिना भी है, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो। वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट एंड EMF एंड हेंस ए करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, हाउएवर दिस EMF लास्ट्स ओनली सो लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग, मतलब ये EMF केवल तब तक रहता है जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा होता है। सेकेंड लॉ जो है वो ये बताता है कि कितना EMF आता है। किसी भी कॉइल के अंदर जो EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स EMF इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है d∅dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ये है सेकेंड लॉ। आगे देखिए, तो ये डेरिवेशन आप देख चुके हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगा दिया k, और वो कांस्टेंट k1 होता है, तो E इज इक्वल टू d∅dt अपने पास बन जाता है। तो ये था लो। नाउ लेंज लो। लेंज लो में ये बताता है कि इंड्यूस्ड EMF की पोलैरिटी कैसे होगी या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब एक कॉइल के अंदर करंट तो इंड्यूस कर रहे हैं हम फ्लक्स को चेंज करके, लेकिन उस करंट की डायरेक्शन क्या होने वाली है ये हमें लेंज लो बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लो है जो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है। इस लो के अकॉर्डिंग आपने जो काम भी करके किसी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस किया है, जो कुछ भी आपने
एफर्ट लगाया, वो इंड्यूस्ड करंट कुछ ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि वो अपने कोज को अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस्ड करंट एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा कि वो मैग्नेट को पास नहीं आने देगा। अगर आप मैग्नेट को पास ला रहे हो तो मैग्नेट को पास नहीं आने देगा, अगर दूर लेके जा रहे हो तो मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, मतलब अट्रैक्ट करने लग जाएगा, कुछ ऐसा करंट इंड्यूस होगा। सो इफ़ द करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ द मैग्नेट, तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, कॉयल के अंदर करंट सेटअप कर लेगा और करंट क्या करेगा, खुद का एक मैग्नेट बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के मोशन को अपोज करने वाला है। ये सारी चीज़ें आप पहले देख चुके हो पहले वाली वीडियोज़ के अंदर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी हमें लगता है कि जब हम किसी कॉयल के पास एक मैग्नेट को लेके गए तो मैग्नेट को ले जाने से कॉयल में क्या हुआ, करंट आ गया, तो करंट इंड्यूस प्रोड्यूस हो गया, तो हमें लगता है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, हमने केवल कंजर्वेशन ऑफ लॉ को ही यहाँ पर फॉलो करवाया है। हम जब मैग्नेट को मूव करवाते हैं तो हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है और हमारे द्वारा लगाया गया मैकेनिकल फोर्स ही कुछ मैकेनिकल वर्क करता है और वो मैकेनिकल वर्क ही कॉयल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कॉयल के अंदर फ्लो करने लग जाता है। अब एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो कॉयल है, दो कॉयल में से एक कॉयल में मैंने बैटरी लगा रखी है और दूसरी कॉयल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब मैंने जिसमें बैटरी लगा रखी है उसके अंदर मैंने की को क्लोज किया, ओपन कंडीशन से क्लोज किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि जैसे मैंने की को क्लोज किया तो साथ वाली कॉयल के अंदर अपने आप करंट फ्लो करने लग जाता है। तो अब ये पूछने वाली बात है कि उस दूसरी वाली कॉयल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई, इस बार तो हमने ना ही तो कोई मैकेनिकल वर्क किया, हमने कोई मैग्नेट को भी नहीं मूव करवाया, तो इस बार ये इंड्यूस करंट कहाँ से आया। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सोचिए इंड्यूस करंट कब आया था, जब हमने पहली वाली कॉइल के अंदर की को क्लोज किया था, हमने जैसे ही की को क्लोज किया तो बैटरी ने करंट फ्लो करवाया। अब बैटरी में करंट फ्लो करवाया, उसकी वजह से करंट बढ़ा और उसका फ्लक्स जो है वो दूसरी कॉइल में लिंक हुआ, तो इस बार कैसे एनर्जी कंजर्व है तो सुन लीजिए। आप जब बैटरी को क्लोज करते हो तो बैटरी ने जो करंट दिया ना, वो करंट ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उस करंट की जो केमिकल एनर्जी है बैटरी की, वो बैटरी केमिकल एनर्जी ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। मतलब उसके अंदर करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही दूसरी कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। लेंज लो आप देख लेना, और ये जो एक्सप्रेशन है लेंज लो हमें ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करता है। मतलब वो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स को बढ़ने नहीं देता, कम हो रहा होगा तो कम होने नहीं देता, मतलब ये अपोज करता है। तो इस वजह से फैराडे का जो सेकंड लॉ की एक्सप्रेशन थी E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, उसको चेंज करके क्या कर दिया जाता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे माइनस जो आया है वो अपोजिशन की वजह से आया है, क्योंकि ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज कर रहा है, इस वजह से नेगेटिव साइन आ गया। मतलब इसमें लेंज लो को भी कंबाइन कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन को हम फैराडेज लेंज लो भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि इसको कंबाइंड, इसको फैराडेज लेंज लो भी बोलते हैं, कहीं कहीं से थर्ड लो ऑफ ईएमआई भी लिखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थर्ड लो। आगे देखिए, अगर क्वाइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स एन है, मान लीजिए एन टर्न्स है, एक ही टर्न नहीं है, अगर एक ही लूप है, देन यू अप्लाई ई इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी। सपोज कीजिए देर आर मैनी लूप्स लाइक दिस, देर आर मैनी लूप्स, सो इन दैट केस वट इज द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, दैट विल बी इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, एन एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिए, करंट कितना करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए कि उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। अब करंट क्या होता है, करंट इज इक्वल टू ई एम एफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ईएमएफ हम निकाल ही चुके हैं, माइनस डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव डिवाइडेड बाई आर डी टी। नाउ वट इज चार्ज, चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, देखिए चार्ज ट्रांसफर करंट होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, डी टी टाइम के अंदर वो हो गया आई डी टी। अब आई की एक्सप्रेशन हमने अभी भी देखी थी, डी फाई डिवाइडेड बाई आर डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और डी क्यू की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ये देखिए डी क्यू की वैल्यू डी फाई अपॉन आर आ जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे वट इज़ वर्क डन, भी हमने ई एम एफ इंड्यूस करने में कितना वर्क डन किया, तो अभी वर्क डन भी निकाल लेते हैं। देखिए वर्क डन पावर होता है आपके पास डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई डी टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहाँ से अगर आपको वर्क डन चाहिए तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब देखिए पावर किसके, तो वर्क डन किसके इक्वल हो गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी, पावर होता है ई आई, ई एम एफ इंटू करंट,
इंटू डी टी। अब E की एक्सप्रेशन पुट कर लीजिए माइनस डी फाई बाई डी टी, I की एक्सप्रेशन पुट कर लीजिए डी फाई बाई डी टी अपॉन R, तो यहाँ से डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा और आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट देखिए, ई एम एफ इंड्यूस करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, मैंने पहले ही बता दिया आपको। ई एम एफ इंड्यूस करने के, ई एम एफ इंड्यूस होता ही कैसे है, फ्लक्स चेंज करने से। तो जितने फ्लक्स चेंज करने के तरीके हैं उतने ही ई एम एफ इंड्यूस करने के तरीके हैं। फ्लक्स चेंज करने के तीन तरीके हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, एरिया को चेंज करके और ओरिएंटेशन को चेंज करके। ये तीन तरीके आपके पास है और ये तीन तरीके ही ई एम एफ इंड्यूस करने के हैं। इसमें जो एरिया को चेंज करके फ्लक्स चेंज करने का तरीका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से जब हम ई एम एफ इंड्यूस करते हैं, एरिया चेंज करके जब हम ई एम एफ इंड्यूस करते हैं, तो उसे मोशनल ई एम एफ का नाम दिया जाता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। इसमें देखिए, आपको इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है और ये दिखाया हुआ है कि एक कॉइल को हम स्लाइड करके लेफ्टवर्ड्स लेकर जा रहे हैं। जब हम कॉइल को स्लाइड करते हैं तो कॉइल के अंदर फ्लक्स इंक्रीज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर ई एम एफ इंड्यूस होता है। अभी देखते हैं वो फ्लक्स कितना होगा। तो ये डेरिवेशन आप देख लीजिए, देख लेना आप, डेरिवेशन मैंने पहले भी दूसरी वीडियो में करवाई हुई है, आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन देख लो। इसके अंदर ई एम एफ इंड्यूस होगा E इज इक्वल टू माइनस बी एल वी, बी है मैग्नेटिक फील्ड कितना आपने लगाया हुआ है, एल है लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर कौन सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो कौन सी वायर हम लेंगे, इसमें तो दो लेंथ है, लेंथ और ब्रेथ आपके पास दो हैं। तो बी एल वी की जो एक्सप्रेशन होगी, इंड्यूस्ड ई एम एफ इज इक्वल टू बी एल वी, तो ये लेंथ कौन सी ली जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वो लेंथ लोगे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड द प्लेन ऑफ पेपर है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ स्क्रीन ऑफ द मोबाइल फ़ोन है, तो उस केस में केवल ये वायर ही इसको कट करके जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड को केवल ये वायर कट करके जा रही है। तो आप जो लेंथ लोगे वो ये वाली लेंथ आप लोगे, ये जो वायर है ये तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को कट कर ही नहीं रही, ये तो उनके पैरेलल पैरेलल ही जा रही है, उसको कट नहीं कर रही, तो ये वाली लेंथ नहीं ली जाएगी, ये लेंथ लोगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। आप ये वाली लेंथ भी नहीं लोगे क्योंकि ये वाली वायर तो बाहर की तरफ है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को कट कर ही नहीं रही, ये वायर ही कट कर रही है, तो आपको ये लेंथ लेनी होगी। नेक्स्ट देखिए, तो बी एल वी, वी वेलोसिटी आपके पास हो गई है, ये डेरिवेशन आप देख लेना, इसे मोशनल ई एम एफ कहते हैं, यहाँ से जो ई एम एफ आता है उसे मोशनल ई एम एफ हम कहते हैं। अच्छा जी, इसमें अगर आपको करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए कह दी जाए कि मोशनल ई एम एफ से आपके पास करंट फ्लो हुआ और उस करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप अप्लाई करोगे राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इस केस में अप्लाई किया जाता है। ये देखिए, सॉरी राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आई एम सॉरी दैट इज़ नॉट राइट हैंड थंब रूल, इट इज़ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में क्या होता है, जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर को मूव करवा रहे होते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स, और आप इस वायर को मूव करवा रहे हो, ये है वायर, और इस वायर को इधर की तरफ लेके जा रहे हो, आप इस वायर को इस तरफ लेके जा रहे हो, तो ये हो गया आपने जो फोर्स लगाया, वो फोर्स कह लीजिए या मोशन कह लीजिए, मतलब आपने इस वायर के ऊपर इधर फोर्स लगाया, मोशन करवाया, तो आपके पास दो डायरेक्शन तो आपके पास है ही ऑलरेडी, एक मैग्नेटिक फील्ड की और एक वायर को आपने किधर लेके गए, मोशन की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पहली फिंगर की तरफ दिखाओ और मोशन की डायरेक्शन को सेकेंड फिंगर की तरफ, थंब की तरफ दिखाओ, तो ये जो सेंट्रल फिंगर होगी ना, ये सेंट्रल फिंगर अपने आप ही आपको करंट की डायरेक्शन देगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पहली फिंगर की तरफ, मोशन जो है वायर का या फोर्स आपने जो लगाया है वायर पे वो थंब की तरफ, तो जो आपके पास सेंट्रल फिंगर आएगी वो आपको करंट की डायरेक्शन बताएगी, ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये देख लीजिए आप, मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स और ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपके पास बताएगा। तीसरा तरीका जो ई एम एफ इंड्यूस करने का था वो है आपके पास बाई चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, ओरिएंटेशन मतलब एंगल को चेंज करके। मान लीजिए कोई कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवा रहे हैं, जैसा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइम ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी गई है, मैक्सिमम फ्लक्स इस कॉइल के अंदर पास किया जा रहा है, हो रहा है। अगर आपने कॉइल को रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, उस केस में क्या होगा, ओरिएंटेशन चेंज होगी और फ्लक्स पहले से थोड़ा कम हो गया, फ्लक्स चेंज हो गया, और अगर ऐसे ही आप रोटेट करते रहें तो फ्लक्स लगातार चेंज होता रहेगा और कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। वो ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है वो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिए, ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला आपके पास आएगा एन बी ए ओमेगा साइन थीटा, एन बी ए ओमेगा
एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और फ्लक्स का फॉर्मूला है एन बी ए ओमेगा एन बी ए कोस ओमेगा टी। अब देखते हैं एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इस कॉइल के कितने टर्न्स हैं, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया, एरिया जो कि फिक्स है, और ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्चुअली एंगल है कि आपने कितने एंगल से उसको रोटेट किया है या इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, वो है अपने पास। अगर ये लगातार चेंज, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, देखिए एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है ओमेगा डिवाइडेड बाई टी, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, तो थीटा हो जाएगा ओमेगा टी। तो ये है आपके पास कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर ये ग्राफ फ्लोट किया जाए इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टाइम के बीच में, तो हमने अभी भी एक्सप्रेशन देखी ई इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये एक साइन का ग्राफ होगा, आपके पास ऐसी एक साइनसोइडल कर्व आपके पास आ जाएगी। अब एक स्पेशल केस है, मान लीजिए आपके पास एंगल जो है, आपको इनिशियल पोजीशन जो कॉइल की दे रखी थी वो ऐसी नहीं दी हुई थी कि मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा हो, आपको कॉइल की इनिशियल पोजीशन ऐसी दे रखी होती कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑलरेडी था, तो उस सिचुएशन के अंदर फ्लक्स ऑलरेडी जीरो था, और आप अगर रोटेट करोगे तो उस केस में आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगी ईएमएफ की वो आएगी एन बी ए कोस ओमेगा टी, क्योंकि आपने थीटा बढ़ा दिया, मतलब इनिशियल फेज एंगल आपने 90 डिग्री ले रखा है, तो जहां पर फ्लक्स की एक्सप्रेशन मेन एक्सप्रेशन थी एन बी ए कोस ओमेगा टी, उस कोस ओमेगा टी की एक्सप्रेशन में 90 डिग्री अगर और जोड़ दूं तो बन जाएगा एन बी ए कोस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री मतलब साइन ओमेगा टी, और उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो एन बी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी आपके पास आ जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्योंकि कोस की आ गई तो ग्राफ भी आपके पास कोस का होगा, ऐसा ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ऐसा कब है, अगर इनिशियली जो आपको कॉइल की पोजीशन दे रखी है वो ऐसे दी हुई है कि जीरो फ्लक्स पास हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपके पास है। नेक्स्ट देखिए एडी करंट्स और फुकोल्ड्स करंट। एडी करंट क्या होते हैं, देखो बच्चों जब कभी कोई मेटल के ब्लॉक को आप किसी मेटेलिक ब्लॉक को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हो, मतलब मेटल है और बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में आपने रख दिया, मतलब मेटल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, एक्चुअली यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि या तो वो मेटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट कर रहा है सेकंड, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है बढ़ रही है, कुछ भी ऐसा केस अगर आपके पास आता है तो मेटल के ब्लॉक के अंदर सर्कुलेटरी करंट आ जाता है, और उन सर्कुलेटरी करंट को एडी करंट्स कहा जाता है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए हमने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने मेटल को रखा तो मेटल के अंदर सर्कुलेटरी करंट इंड्यूस हो गए, क्योंकि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करने लग जाते हैं, और रोटेशन की वजह से उनके अंदर करंट इंड्यूस होता है, और उस करंट की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, हमें ऐसा नहीं है कि हम मेटल को हाथ लगाएंगे तो हमें झटका लगेगा, ऐसा नहीं होता, उसके अंदर सर्कुलेटरी करंट है, वो इलेक्ट्रॉन अंदर अंदर ही घूमते रहते हैं, हमारी बॉडी में से पास होकर अर्थ में नहीं जाएंगे, हमें करंट नहीं लगेगा, लेकिन उस करंट की वजह से मेटल गर्म हो जाता है, उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है आपके पास। अब आगे देखिए एडी करंट्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडी करंट्स कहाँ काम आते हैं, एडी करंट्स क्योंकि मेटल को गर्म कर देते हैं, इसीलिए इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट्स का यूज किया जाता है, मेटल को पिघलाने के लिए, मेटल को सॉलिड मेटल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इंडक्शन फर्नेसेस के अंदर यूज किया जाता है। इसके अलावा एडी करंट्स का यूज स्पीड उसमें स्पीडोमीटर के अंदर भी होता है, स्पीडोमीटर्स के अंदर, स्पीडोमीटर क्या होते हैं, एक ऐसा डिवाइस होता है जो है जो स्पीड बताता है किसी व्हीकल की, तो स्पीडोमीटर भी जो काम करते हैं वो एडी करंट के बेस पे काम करते हैं। देखो जब व्हीकल रोटेट करता है तो रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जो व्हील है वो व्हील जो है उसके अंदर स्पोक्स होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ को कट करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और एक वायर से वो करंट जो है वो एडी करंट जो है वो एडी करंट का हम यूज़ करते हैं व्हीकल की स्पीड को फाइंड करने के लिए। इसके अलावा एडी करंट्स का कंसेप्ट यूज़ होता है गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल को लपेटा जाता है, कॉइल को वाउंड किया जाता है, वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर किया जाता है, ताकि जब गैल्वेनोमीटर को करंट दिया जाए तो उसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर एडी करंट इंड्यूस हो जाए, और उस वजह से कॉइल सडनली कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन ना आए, सडनली ना ही तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आए, ना ही मिनिमम डिफ्लेक्शन आए, इसीलिए उसकी डिफ्लेक्शन को शार्प डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर कॉइल को वाउंड किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेक्स होते हैं, वो भी एडी करंट के बेस पे काम करती है। देखिए आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको ऐसे कुछ डायग्राम मिल जाएंगे, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक ऐसी मेटल की एक शीट ओसिलेट कर रही है ऐसे ऐसे, तो आप ये पाओगे कि अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये ऐसे ऐसे इसके अंदर ऑसिलेट कर रही है, तो ये जल्दी ये रुक जाती है, ये जो आपने शीट लगाई है मेटल की डिस्क, ये जल्दी रुक जाती है ऑसिलेट करना, क्योंकि जब वो ऑसिलेट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करके जाती है, इसके अंदर एडी करंट आते हैं, और वो एडी करंट क्योंकि इंड्यूस्ड करंट है तो अपने कोज को अपोज करते हैं, और कोज को अपोज करने की वजह से ये जल्दी इसकी ऑसिलेशंस होती हैं वो रुक जाती हैं। और अगर आप ऐसा कर दें, मान लीजिए आप ऐसा कुछ कर देते हो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर जो आपने डिस्क को ऑसिलेट करवाया उस डिस्क के अंदर ऐसे कट लगे हुए हैं, मान लेते हैं ये कट लगे हुए हैं उसके अंदर ऐसी डिस्क, और अब ये ऑसिलेट कर रही है ऐसे ऑसिलेट, तो अब ये ज़्यादा देर तक ऑसिलेट कर पाती है, क्योंकि अब इसके अंदर कट होने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा एडी करंट नहीं इंड्यूस हो पाए, ज़्यादा एडी करंट ना इंड्यूस हो पाने की वजह से क्या हुआ, ये ओपोज ज़्यादा नहीं कर पाई और ज़्यादा देर तक ये ऑसिलेशन इसकी कंटिन्यू रहती है, तो ये अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहलाती है। ये आप पढ़ देना एडी, आपको एनसीईआरटी के अंदर बुक के अंदर ये ऐसे एग्जांपल मिल जाएंगे। तो ये थे एडी करंट की एप्लीकेशन। अगला टॉपिक था सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी क्वाइल को आप चेंजिंग करंट देते हो, मान लीजिए ये क्वाइल है और इस क्वाइल को आपने बदलता हुआ करंट दे दिया, कैसे मान लेते हैं मैंने इसे बैटरी से जोड़ दिया और एक की से जोड़ दिया, अब मैंने क्या किया, मैंने की को सडनली क्लोज किया, तो मैं क्या देखता हूँ कि की को जैसे ही क्लोज करता हूँ ना तो इसके अंदर करंट एकदम से बढ़ के मैक्सिमम नहीं होता। आप इसमें गैल्वेनोमीटर लगा के देख लो, गैल्वेनोमीटर एकदम से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं देता, तो वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन धीरे 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 बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्वाइल में जब आपने करंट बढ़ाना चाहा तो इस क्वाइल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और वो ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ था उसने क्या किया था, बैटरी के ईएमएफ को अपोज किया, इस वजह से क्या हुआ, सडनली करंट नहीं बढ़ा। और उल्टा भी अगर होगा, अगर आप सडनली करंट को जीरो भी करना चाहते हो तो वो सडनली करंट जीरो नहीं होगा और वो करंट धीरे धीरे कम होगा। तो जब कभी भी किसी क्वाइल के अंदर बदलता हुआ करंट फ्लो करता है, चेंजिंग करंट फ्लो करता है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है जो उस क्वाइल के अंदर चेंज इन करंट को अपोज करता है, इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें यह बताती है कि किसी क्वाइल का कितना सेल्फ इंडक्शन है। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक क्वाइल है, एल लेंथ की क्वाइल है, मान लेते हैं ये क्वाइल है जिसकी लेंथ है एल, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सामने से एरिया देखो वो एरिया है ए, नंबर ऑफ टर्न्स है एन और स्मॉल एन है मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उस केस में जो इसकी अपने पास सेल्फ इंडक्शन होती है, एल सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, वो होता है म्यू नोट एन स्क्वेयर ए एल, ये इसकी एक्सप्रेशन है। उसकी डेरिवेशन आप पहले देख चुके हो या आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, म्यू नोट एन स्क्वेयर ए एल, और अगर आप कैपिटल एन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये बन जाएगा म्यू नोट कैपिटल एन स्क्वेयर ए अपॉन एल, ये आपके पास बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हो। अब सेल्फ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ये कई फैक्टर्स आपने देख लिए, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड करता है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पे, डिपेंड करता है एरिया पे, डिपेंड करता है लेंथ पे, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और इसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि क्वाइल के बीच में आपने वो जो स्पेस है क्वाइल के बीच में वो स्पेस क्या है, अगर वैक्यूम है तो इंडक्टेंस कम होगी, और अगर आप इसके बीच में कोई आयरन की रोड या मेटल की रोड अगर आप कोई इंसर्ट कर देते हो तो उस केस में इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस की रोड अगर आप इंसर्ट करोगे तो उस केस में मैग्नेटिक परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, म्यू बढ़ेगा, म्यू बढ़ने की वजह से कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये थे फैक्टर्स आपके पास। अब अगला देखते हैं, उसके बाद था इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, हेनरी, और एक हेनरी की डेफिनेशन क्या है। अब क्योंकि इंडक्टेंस की एक एक्सप्रेशन भी थी, इंडक्टेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ किसी भी कॉइल में होता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से, सेल्फ इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी एक्सप्रेशन अपने पास होती है ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से आप कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बन जाएगी, और इसकी यूनिट होगी वन, इसकी यूनिट होगी हेनरी, और हेनरी वन हेनरी किसके इक्वल होगा, वन वोल्ट, अगर किसी कॉइल के अंदर एक वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो जाए जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वन एम्पियर पर सेकेंड हो तो उस कॉइल की जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो वन हेनरी होती है, यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी। एक और डेफिनेशन भी थी, वो इससे बनी थी कि किसी कॉइल में जो फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला होता है एल इंटू आई,
उस कॉइल में फ्लो करने वाले करंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी आप सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन बना सकते हो, किसी कॉइल में फ्लक्स पर यूनिट उसमें फ्लो करने वाला करंट, ये भी उसका सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यहाँ से भी डेफिनेशन बनाई जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, आप देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है किसी कॉइल में, वो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी जो पिछले स्टेप में मेरे पास थी, वो मैं दोबारा आपको दिखाना चाहता हूँ। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी कॉइल के अंदर अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। देखो जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो और करंट बढ़ रहा है, देखो चेंजिंग करंट की वजह से ही ऐसा होता है। जब किसी कॉइल के अंदर, किसी लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है चेंजिंग करंट, तो उस वजह से क्या होगा, उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है और उस EMF इंड्यूस के अगेंस्ट में कुछ वर्क करना पड़ता है करंट को, और वो किया गया वर्क एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू DT, पावर की वैल्यू EI, पावर EMF की वैल्यू वैल्यू पुट कर दी EMF, EMF होता है LDI by DT, DT से DT कट गया तो LDI, तो वर्क की वैल्यू होगी LDI। इसको इंटीग्रेट करके लेके आए तो LI² / 2, और जहाँ से भी करंट आपने चेंज किया 0 से I0, तो ये एक्सप्रेशन आपके पास बन जाएगी। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ½ LI0² वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। म्यूचुअल इंडक्शन, देखो बच्चों जब आपके पास दो कॉइल हो और एक कॉइल में आप चेंजिंग करंट दे रहे हो तो दूसरी कॉइल के अंदर अपने आप ही करंट इंड्यूस हो जाता है, इस फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब कितना उसके अंदर EMF इंड्यूस होता है, दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स होता है वो पहली कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास होता है। दूसरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो पहली कॉइल के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके पास है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कॉन्स्टेंट लगा देंगे M, इस M को ही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। और इसकी एक्सप्रेशन आप, इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, यहाँ से बना सकते हो डेफिनेशन। इसका फॉर्मूला भी ड्राइव करना होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी कॉइल के अंदर EMF कितना इंड्यूस होगा उसका एक्सप्रेशन देख लो। जैसे मान लो पहली करंट में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, पहली कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है आपके पास DI1 / DT, तो दूसरी कॉइल के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू -MDI1 / DT। मतलब दो कॉइल है, एक कॉइल ये इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है I1, एक कॉइल ये इसमें हम EMF देखना चाहते हैं कितना आया, तो दूसरी में जो EMF आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के। E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पहली में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया तो कॉन्स्टेंट लगा दिया M, जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यहाँ से इसकी यूनिट भी हेनरी होती है और इसकी 1 हेनरी की डेफिनेशन भी आप बना सकते हो। अब दो लॉन्ग कॉइल का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये डेरिवेशन आप देख चुके हो, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताता हूँ। मान लीजिए दो कॉइल का क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल है, लेंथ इक्वल है, पहली में नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, दूसरी में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, तो उनका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आपके पास आएगा वो होता है म्यू नोट एन वन एन टू पहली में फ्लो करने वाला करंट इनटू एरिया अपॉन लेंथ। देखो बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रहे, एरिया जो है वो इनर कॉइल का ही आपको लेना है, छोटा एरिया ही आपको लेना है। दो कॉइल है, अगर दो कॉइल सेम एरिया की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये एरिया आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों कॉइल का एरिया डिफरेंट है तो आपको छोटा एरिया ही लेना होगा। अगर पहली कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है, तो आपको इनर कॉइल का एरिया ही आपको लेना होगा, क्योंकि इफेक्टिव फ्लक्स जो होता है वो केवल उतने एरिया में ही है, अंदर वाली कॉइल के एरिया के अंदर फ्लक्स होता है इस वजह से। तो ये था आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस की एक्सप्रेशन, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपके पास पूरे चैप्टर की रिवीजन जो मैंने फर्स्ट ही आपको रिवाइज करवा दिया। तो आप इस चैप्टर को दोबारा से पूरी अलग अलग वीडियो देखना चाहें तो वो भी पहले अवेलेबल है, आप दोबारा से देखें, नोट्स बनाएं, NCERT से नोट्स बनाएं, बार बार न्यूमेरिकल सोल्व करके देखें, न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करवाए हैं NCERT के। और अगर फास्टली आप रिवाइज करना चाहो तो इस लेक्चर से आपको फास्ट रिवीजन भी मिल जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।